कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लॉस्ट पार्ट में। आप सभी ने सुना कि दोनों खामोशी के साथ बैकग्राउंड में एक प्यारा सा म्यूज़िक चलता रहता है, जो कल आप लोगों ने सुना, और उसके साथ पूरा सफ़र तय करते हैं। रास्ते पर दोनों की कोई बात नहीं होती और शम्मी युक्ति को उसके ऑफिस ड्रॉप करती है। उसके बाद अपने घर आ जाती है। घर पे आती है, शम्मी को जल्दी घर आया देख उसके पापा पूछते हैं कि आज जल्दी आ गई, शाम का कहीं कोई प्रोग्राम है? नहीं पापा, कोई प्रोग्राम नहीं है, बस आज ऑफिस में काम नहीं था तो जल्दी निकल आई। और ये कहकर वो अपने पापा के पास ही बैठ जाती है। पापा बोलते, अच्छा तो बताओ ऑफिस कैसा चल रहा है? शम्मी कुछ बोलने वाली होती है पर फिर चुप हो जाती है, कुछ सोचने लगती है। उसे चुप हुआ देख वोश बाबू दोबारा पूछते हैं कि क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? आप ऑफिस के बारे में पूछ रहे हो या काम के? काम ऑफिस में ही होता है शम्मी, तो दोनों के बारे में। तो काम तो ठीक ठाक ही चल रहा है, और ठीक ठाक चलता रहे इसके लिए मैं और अशोक दोनों पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर काम लॉन्ग रन में भी ठीक ठाक रहे या अच्छा हो, उसके लिए ऑफिस का ठीक होना भी ज़रूरी है। क्यों, ऑफिस को क्या हुआ? आपको कई बार तो बता चुकी हूँ, आप ही नहीं सुनते। हर बार बोल देते हो 10-12 हज़ार के लिए क्यों बात पढ़ाना, जाने दो। पर उन लोगों का भी ये हर बार का हो गया है, इस बार भी पिछली बिल में घपला किया, आपकी वजह से फिर इस बार 10 हज़ार एक्स्ट्रा मैंने जेब से दिए हैं। बार बार तो नहीं हो पाएगा ना, और यही एक बात नहीं है, वो लोग आए दिन नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। मैं और अशोक केस देखें या अपनी एनर्जी इन फालतू चीज़ों में लगाएं? आप जानते नहीं हैं 10 दिनों से रिसेप्शनिस्ट नहीं आ रही है, उसने 2 दिन की छुट्टी के लिए बोला था पर अब गायब है, और फ़ोन करो तो उठाती नहीं। उसका और सौरभ का कुछ चल रहा था। शमी डोंट टॉक रोविस, वाई आर यू ऑलवेज टॉकिंग रविश? पापा मैं बस ऐसे ये बात नहीं बोल रही, अशोक ने सौरभ और उस लड़की को कई बार साथ देखा है, मुझे नहीं पता उन दोनों के बीच क्या चल रहा था, पर इस बात को लेकर श्योर हूँ कि वो लड़की हमारे ऑफिस में कौन आ रहा है क्या हो रहा है सारी खबरें दूसरी तरफ पहुँचाती थी, वरना उस दिन वो केस हमारे हाथों से कैसे निकल गया? आप ही बताइए, आप ही सोचिए। उस लड़की ने ही उन लोगों को बताया होगा कि क्लाइंट आने वाला है, और उस दिन बस केस साइन होना था, बाकी सारी बातें तो हो गई थी। और आपको पता है जैसे क्लाइंट ऑफिस में एंटर होने वाला था वैसे ही मुझे आपकी ख़राब तबीयत का फ़ोन आया। अगर वो फ़ोन 5-10 मिनट बाद आता तो मैं फ़ोन ही पिक ना करती। ये सुन के घोष बाबू ने कहा कि ऐसी गंदी हरकत नहीं करेंगे वो लोग, और करेंगे भी तो कैसे? नहीं 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 पापा, अभी मान नहीं रहे हैं, मैं आपको प्रूव कर सकती हूँ, वो जो रिसेप्शनिस्ट है थी ना, वो हमारे ऑफिस की खबरें उधर देती थी, और जब मैं या अशोक कभी मीटिंग या बाहर होते थे तो सौरभ हमारे ऑफिस आता था, अशोक ने 2-3 बार देखा, और एक बार तो सौरभ को टोका भी था तो सौरभ ने बहाना बना दिया। अच्छा, और जब ये हुआ तब क्यों नहीं बताया तुमने? तब हमें लगा था कि हो सकता है वो काम से ही आया हो, पर फिर अशोक को लगा कि उसे देखकर कोई भागा है, और बीच का दरवाज़ा उसे बंद करते हुए टाइम कितना लगता है,
हम दोनों को लगता है कि हमारे ऑफिस में ना रहने पर सारों वहाँ से आता जाता होगा। तो पापा ने कहा, जब लगता था तो दरवाज़ा बंद क्यों नहीं करवाया, उसमें ताला लगा देना चाहिए था। ताला नहीं लगा सकते थे, हमारी तरफ से सिर्फ सिटकनी लगती है और परमानेंटली उसे बंद करवाने का कोई लॉजिक नहीं है। ये ऑफिस हमारा है और वो लोग कब चाय बैठे हैं, आप क्यों नहीं कहते खाली करने के लिए? और अगर वे दरवाज़ा भी बंद कर दें तो भी फ़ोन है बात करने के लिए। अब वो लड़की नहीं है, पर ये ज़रूरी नहीं कि जो दूसरी लड़की है वो पैसों के लालच में हमारी बातें इधर उधर ना करे। लोगों को वहाँ से हटाना परमानेंटली इलाज है, दरवाज़ा बंद करना या स्टाफ चेंज करना नहीं पापा। इसलिए आप बात कीजिए और खाली करवाइए। इस ऑफिस में तो उन लोगों का लगा भी कुछ नहीं है, ऑफिस आपका खरीदा हुआ है, आपने खुद एक एक चीज़ करवाई है, पार्टनरशिप तो बाद में हुई है और हमें स्पेस की ज़रूरत है, ऑफिस में स्टाफ चाहिए। मेरा तो अभी मैनेज हो जाता है, पर अशोक का असिस्टेंट चाहिए और आगे चलकर मुझे भी ज़रूरत पड़नी है, इतना पेपर वर्क हो जाता है कि ज़रूरत पड़ेगी। अब केसेस आने लगे हैं, पहले 10 लोग आते थे, बात करते थे, वापस आने का कहकर चले जाते थे और 10 में से एक वापस आता था। अब 10 में से 3-4 तो आते ही हैं और मुझे तो लगता है जब से वो रिसेप्शनिस्ट छोड़ कर गई है तब से हमारे क्लाइंट बढ़े हैं, क्योंकि उन लोगों को हमारी खबरें मिलनी बंद हो गई हैं। तो उसके पापा ने पूछा कि तो वो लड़की जॉब क्यों छोड़ गई, उसे तो फ़ायदा हो रहा था, तुमसे तनख्वाह ले रही थी और उन लोगों से भी पैसे मिल रहे होंगे, उन लोगों ने उसे रोका नहीं? डर की वजह से पापा, उसके छोड़ने से 3-4 दिन पहले अशोक आवाज़ सुनकर मेरे रूम की तरफ आया कि मेरे केबिन की तरफ, उसे लगा कि गैलरी में कोई भागा है। उसने झाँक कर देखा तो उसे लगा वो दरवाज़ा बंद हुआ है। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो वो साफ मुकर गई कि कोई नहीं था, पर अशोक श्योर था, उसने मुझे बताया तो हम दोनों ने उससे थोड़ी सी पूछताछ कर ली। बस अगले दिन से वो बीमारी का बहाना बनाकर गायब हो गई। तो तुम्हारे ऑफिस में कौन सी आवाज़ आ रही थी जिसे सुनकर अशोक बाहर आया था? शम्मी यह सुनते ही थोड़ी सी शक पका गई थी, क्योंकि वो आवाज़ें उस दिन युक्ति की थी जब युक्ति शम्मी पे चिल्लाई थी। अब शम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, क्या बोले। तो उसके पापा ने फिर से पूछा तो उसने बहाना बनाया और कहा कि वो एक क्लाइंट थी बेचारी, उसको बोलते बोलते इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया था और वो गुस्से में और इमोशनल होकर चिल्ला रही थी। तो वही सुन के अशोक आया था केबिन की तरफ। अच्छा, तो अब कोई नई लड़की रखी है रिसेप्शन पर? नहीं, अभी कोई वैसी नहीं मिल रही है जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, देख रहे हैं, अभी 2-4 लड़कियों के इंटरव्यू लिए हैं, देखते हैं अभी 1 हफ्ते में फाइनल कर लेंगे। तो तुम लोग ऑफिस का कैसे मैनेज कर रहे हो? एक लड़की है वो आ रही है, हेल्प कर रही है हमारी। ये सुनते ही घोष बाबू कुछ पल शम्मी को देखते रहे और फिर बोले कि डोंट टेल मी दैट शी इज आवर गर्लफ्रेंड। ये सुनते ही शम्मी झल्लाते हुए बोले कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर कौन है वो, तुम्हारे फ्रेंड है या अशोक के? किसी की फ्रेंड नहीं है। अच्छा, तो एक राह चलती लड़की तुम्हारी हेल्प करने आ गई? नहीं पापा, वो जानकार है पर ना तो फ्रेंड है और ना ही मेरी गर्लफ्रेंड। तो तुम्हारी हेल्प क्यों कर रही है? पापा, आप ना बाल की खाल निकालने लगते हो, एक फेवर किया था उस पर, बस वही एहसान चुका रही है।
अब मैं जा रही हूँ चेंज करने, कहकर शम्मी वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में आके उसने एक गहरी सांस ली। आखिर थोड़ी देर और बैठती तो घोष बाबू न जाने और क्या क्या उसके दिमाग से नहीं जुबान से निकलवा लेते। कमरे में चेंज वगैरह करके रात को डिनर टेबल पर जब भी लोग बैठे तो खाना खाते हुए घोष बाबू ने दोबारा उस लड़की के बारे में पूछा, कौन है वो लड़की? तो शम्मी फिर से झुंझला कर बोली, पापा आप खाने के वक्त ना काम की बातें मत किया करो, और अब खाने के वक्त काम की बातें नहीं होंगी, ये आप ही कहते हो, अब ऑफिस की बात छेड़ कर बैठ गए हो। अच्छा आप ये बताइए, आप हमेशा दुर्गा पूजा के लिए बोलते थे तो रख लें इस बार। घोष बाबू हैरानी से, अचानक तुम्हें क्या सूझ गया? हर बार तो कहती थी टाइम नहीं है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बहाने बनाती थी, पता नहीं ऐसे ही मन में आया। आप हर बार कहते थे, इस बार आपने बोला नहीं तो सोचा आपको सरप्राइज़ दे दो। सरप्राइज़ तो तुमने कर ही दिया है, पर ऑफिस में भी कोई नहीं है, मैनेज कर लोगे? इधर अशोक भी रिया की वजह से बिजी रहता है, तो तुम्हें ही मैनेज करना पड़ेगा। सभी मुस्कुरा कर बोली, सब मैनेज हो जाएगा पापा, इस बार आपकी विश पूरी करनी है। थोड़ी देर बाद उसके पापा बोले कि तुम्हारी बुआ से बात करता हूँ, बोलता हूँ दुर्गा पूजा में यहीं आकर रहे, देखता हूँ मानते हैं या नहीं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आपका मन जो करे करे, मुझे कभी बुआ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आई लव हर जस्ट एज यू। ओके देन तैयारियाँ शुरू करो, टाइम नहीं है अब, ठीक है? शम्मी ने कहा, जी अभी फ़ोन करती हूँ। खाना खाने के बाद शम्मी सबसे पहले अशोक को फ़ोन करती है और उसे सारी बातें बताती है। अशोक कहता है कि अचानक से दुर्गा पूजा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? चल तो कुछ नहीं रहा, पापा काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि जब हॉस्पिटलाइज थे तो कितनी ही बातें उनकी कही हुई दिमाग में चल रही थी, तब सोचा था अगर वो ठीक ठाक घर वापस आ गए तो जितना हो सका करूँगी, दुर्गा पूजा से शुरुआत की है, देखो कितना कर पाते हो, और फिर ऐसे में एक देर से दो शिकार हो जाए तो क्या बुरा है, बस किसी तरह उन लोगों का असली चेहरा पापा अभी देख लेना तो काम हो जाएगा। अभी उन्हें लगता है कि हम हर बात एक्सजरेट करते हैं, आँखों से कुछ भी देख लेंगे तो उन्हें बनाना आसान हो जाएगा, और वैसे मैंने आज से शुरुआत कर दी है, देखते हैं आगे आगे कैसे क्या क्या होता है। शम्मी भी उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। फिर शम्मी पूछती है, अब तुम बताओ दुर्गा पूजा की तैयारियाँ करनी है, कैसे इंतज़ाम होगा? अशोक कहता है कि मैं देखता हूँ कुछ फ़ोन कॉल करके, जैसा होगा फिर तो मैं सुबह बताता हूँ, अभी तुम आराम करो, जो भी होगा मैं सुबह तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है? तो शम्मी कहती है कि ठीक है, चलो रिया का ध्यान रखना, मैं फ़ोन रखती हूँ। ये कहकर दोनों फ़ोन कट कर देते हैं। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।